तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विज कैब में। हमने आपको पहली वीडियो में एक्सेल की बेसिक जानकारी के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम आपको थोड़ा बेसिक जानकारी के बारे में बताएंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में एमएस एक्सेल की बेसिक जानकारी हो जाती है तो आपको एक्सेल में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और आप डाटा एंट्री को भी आसानी से कर सकोगे। ठीक है, एक्सेल एक बहुत ही स्मार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और आज हम सीखेंगे इसमें रो एंड कॉलम को साइज बढ़ाना। रो एंड कॉलम का साइज बढ़ाना, देखो ए बी सी डी हमारे कॉलम है, हम इसका कैसे साइज बढ़ाते हैं। ऐसे जो हमारी ये ए बी सी डी में लाइन है, हम उस पर प्रेस करेंगे, लेफ्ट साइड का बटन दबा के रखेंगे, उसके बाद हम ऐसे राइट साइड की ओर जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार जब हम इसको छोटा करेंगे यानी घटाएंगे, यानी हमको इसको बढ़ाना नहीं है, तो हम इसी लाइन पे जाएंगे और इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, दबा के रखेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही ये हमारी रो होती है, इसको भी हम ऐसे ही बड़ा घटा सकते हैं। इसी लाइन पर जाकर जब नीचे की साइड करेंगे तो हमारी ये बढ़ जाएगी और ऊपर की साइड करेंगे तो हमारी ये घट जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ए बी सी डी हमारे ये कॉलम है, अब हमें इनको एक साथ बढ़ाना या घटाना है, तो हम कैसे करेंगे। हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ इस लाइन पर जाकर शिफ्ट के साथ लेफ्ट साइड का बटन दबा के ऐसे ऐसे साइड को लेफ्ट साइड पे जाके छोटा कर लेंगे तो सारे साइड छोटे हो जाएंगे। अगर हम इसको हमें इनको बड़ा करना है तो हम बड़ा कैसे करेंगे, इसी लाइन पे जाएंगे, इसी लाइन पे जाएंगे, उसके बाद बिल्कुल लाइन पे जाना है, उसके बाद प्रेस करके रखेंगे बटन को, प्रेस करके यानी दबा के रखेंगे और शिफ्ट के साथ ऐसे बड़ा करेंगे, जितने हमने सेलेक्ट कर रखे हैं वे सारे बड़े हो जाएंगे। ऐसे करके हम इसको बड़ा कर सकते। ये जो हमारे डिब्बे बना हुआ था, ये होती है हमारी सेल, ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। लेकिन ये जो हमारा डिब्बा बना हुआ है, अगर हमें इसमें कुछ भी टाइप करना है, जैसे हमने ये टाइप कर दिया रोज, तो हमने एंटर किया और नेक्स्ट सेल में आ गए, और फिर हमें इसमें कुछ और भी लिखना था और ये हमने ये लिखा नहीं, तो हम फिर उसी सेल में जाएंगे, जैसे हमने इसमें कुछ और लिखा वो, तो क्या हुआ, हमारा वो रोज मिट गया, वहाँ से हट गया। तो इसके लिए जब हम पीछे जाएंगे कंट्रोल जेड का यूज करेंगे, तो कंट्रोल के साथ जेड का यूज करेंगे तो हमारा रोज आ गया। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर हम गलती से एंटर करके अगली सेल में चले गए, फिर हमें पीछे उसी सेल में जाना, तो हम कैसे लिखेंगे कि हमारा रोज भी लिखा हो और हमें जो आगे लिखना हो वो भी लिखना हो, वो भी लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे, जो ये हमारा कर्सर टिमटिमा रहा है, इसका मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम कुछ भी लिखेंगे तो ऐसे हमारा रोज हटेगा नहीं और आगे हमारा लिखा भी जाएगा, तो हमने रोज फ्लोवर लिख दिया। ठीक है, अब अगर हमें एक और बता दूं, एंटर करो और फिर हम पीछे जाएंगे, एक चीज और बता दूं, अगर हमें इसमें कुछ और भी लिखना है, एक तो हमने डबल क्लिक करके जो हमारा कर्सर टिमटिमा रहा था, ये तो हम वो वाली ट्रिक अपना सकते हैं, या फिर हम इसमें F2 भी करके ये वाला कर सकते हैं, F2 दबाएंगे तो भी हम इसमें आगे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने लिख तो दिया, लेकिन हमारा ये हमारा लिखा हुआ है ये हमारी सेल से बाहर जा रहा है, तो आप क्या करोगे,
या तो ऐसे करके जैसे मैंने आपको बताया था कि रो कॉलम का साइज बढ़ाना है, ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, या हम उसी लाइन पे जाके डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड से, जो लेफ्ट साइड का बटन है उसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। हमको इसको डबल क्लिक करना है लेफ्ट साइड को। हम एक बार और बता देती हूँ कि अगर हमें इसका साइज बड़ा करना है, या तो हम इस पे जाके लेफ्ट साइड के बटन को दबा के प्रेस करके रखेंगे, जितना हमको बड़ा करना है उतना कर सकते हैं, या फिर हम उसको डबल क्लिक करेंगे जहां तक का हमारा लिखा है वो खुद ही ऑटोमेटिक आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जो ये हमने लिखा है, जैसे हमने लिखा है, ये हमारी एक एक्टिव सेल मानी जाएगी क्योंकि हमने ये एक्टिव बना दिया, इसको हमने, ये हमारी एक्टिव सेल होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें कुछ भी टाइप करना है, मतलब हम एक्सेल को बताएंगे कि हमें 1 से 10 तक सीरियल वाइज लिखनी है हमें सीरीज, तो हम क्या करेंगे 1 2। ठीक है, हमने इसको बताने के लिए क्या करेंगे, हम इसके उसी सेल पर जाएंगे जिसमें हमने 1 लिखा था, और फिर इसको हम 2 तक ऐसे प्रेस कर देंगे, और फिर इसको प्रेस करके बीच में से प्रेस कर देंगे साइड में, हमारा जो ये लाइन पे बन रहा है हम इसको लाइन पे लेफ्ट बटन से, माउस के लेफ्ट बटन से ऐसे ऐसे करके जहाँ तक हमें 10 तक करना है तो हम ऐसे कर देंगे, तो ये एक्सेल खुद ही इनको लिख देगा, यानी हमारे नंबर खुद ही लिखे जाएंगे। ठीक है, हमें एक्सेल को हिंट देना होता है, ये खुद ही समझ जाता है कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। देखो मैं एक और चीज बता देती हूँ, जैसे हमें 2 का टेबल लिखना, अब एक्सेल को बस हमें इतना बताना कि 2 एंटर 4, यानी वो खुद समझ जाएगा कि हमें 2 का टेबल लिखना। ठीक है, ऐसे हम इसको इतना करेंगे, और फिर इस लाइन पर जाकर माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे। देखो अब ये देखो, अब ये देखो कि एक्सेल खुद समझ गया कि हमें 2 का टेबल लिखना था, और ये 2 का टेबल खुद लिख दिया, बस हमने इसे क्या दिया, हिंट दिया, क्योंकि एक्सेल बहुत ही स्मार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये खुद ही समझ जाता है कि हमें ये हमें क्या कहना चाह रहा है, कि हमें इसे खुद बताना पड़ता है, कि हिंट देना पड़ता है, ये खुद ही समझ जाता है कि हाँ ये हमें, हम इसे क्या बोलना चाह रहे हैं, ये खुद ही हमें प्रेस कर देता है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ से किया, मैं आपको एक चीज और बता दूँ, जैसे देखो मैंने यहाँ से SUN संडे मंडे लिख के दिखाऊंगी, ऐसे किया मंडे, और फिर उसके बाद ऐसे हम इस पे जाएंगे, इतना लिखा, और ये देखो। ठीक है, एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, बस हम इसको हिंट देते हैं तो ये खुद ही समझ जाता है कि इसको क्या करना है और हम इसे क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको पूरा भी लिखेंगे SUNDAY, और तो भी ये समझ जाएगा कि पूरे ही लिखेगा है। ठीक है, ऐसे ही जनवरी फरवरी, ये देखो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, एंटर करो FEB। ठीक है, अब देखो इसको बीच में से ऐसे हम 2 पे ऐसे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे लाइन पर जाकर, लाइन पे जाके जितने भी दिसंबर तक की, ठीक है, ये देखो खुद आ जाएगी क्योंकि एक्सेल समझ गया कि मुझे जनवरी फरवरी लिखनी थी, इसने खुद ही लिख दी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। ठीक है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, सिखाऊंगी, इसीलिए इस वीडियो में इतना बता नहीं सकती ना, थोड़ा आगे बताऊंगी कि कैसे करना है। अब ये देखो कि हमें जैसे ये डिलीट करना है,
हम कैसे डिलीट करेंगे, हमें जो कीबोर्ड है उसमें डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये हम डिलीट कर देंगे। अब हमें दोबारा यही चीज लानी है तो हम कंट्रोल के साथ जेड का यूज करेंगे तो हमारा वही आएगा। ठीक है, ये कमाल का फीचर है जो एक्सेल में काम करता है। ये देखो, जैसे मैं टेन को डिलीट करूं और फिर वापस मुझे यही लाना है तो मैं कंट्रोल जेड से ये वापस ला सकती हूँ। ठीक है, कंट्रोल के साथ जेड का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, और ये ऊपर कॉलम क्या दिया हुआ है, जी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 16। ठीक है, ये हमारा नेम बॉक्स में आ गया। ठीक है, जब हमारा ये नेम बॉक्स में आ गया और फॉर्मूला बार में वो दिखाई देगा जो हमने टाइप किया हुआ है। ठीक है, हमारा जो टाइप किया हुआ है वो हमारा फॉर्मूला बार में आएगा, और जो हमारा सेलेक्टेड है यानी जो कॉलम और रो दोनों मिले हुए हैं और जिनको नाम दिया गया हुआ है वो हमारा नेम बार में आएगा। जैसे ये नाम दिया गया है G16, ठीक है, वो नेम बार में आएगा, नेम बुक्स में आएगा, और ये फॉर्मूला बार में आएगा। ठीक है, जो टाइप किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी ऐसा ही, अब H8 आ गया और फॉर्मूला बार में 4 आ गया। अगर आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो, जैसे सम का किया, एवरेज का किया, और उसमें आपका फिर आपका जो आपने टाइप किया हुआ है वो वाला फॉर्मूला बार में नहीं दिखाई देगा, उसमें आपको जो इक्वेशन होगी फॉर्मूले की वो दिखाई देगी यहाँ पे फॉर्मूला, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।